यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर बात करने जा रहे हैं और ये भी इंटीजर आंसर टाइप प्रॉब्लम है और ये भी मैं समझता हूँ कि सिंपल प्रॉब्लम है, हालांकि मॉडर्न फिजिक्स का प्रॉब्लम है, एटॉमिक स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम कहा जा रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है जो हाइड्रोजन एटम का है और ये ट्रांजिशन ले रहा है फ्रॉम एन ऑर्बिट विथ क्वांटम नंबर एन आई, क्वांटम नंबर एन आई से क्वांटम नंबर एन एफ में जा रहा है। और कहा गया कि भाई कि वी आई और वी एफ इनकी इनिशियल और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है, दैट मीन्स जब क्वांटम नंबर एन आई में था, इनिशियल क्वांटम नंबर एन आई था, तो उस समय उसकी पोटेंशियल एनर्जी वी आई थी और जब ये फाइनल क्वांटम नंबर एन एफ पे पहुंच गया तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी हो गई आपकी इसकी वी एफ। अब कहा गया कि वी आई बाई वी एफ दे रखा है 6.25 के इक्वल, तो पूछा जा रहा है कि भाई कि स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू बतानी है फाइनल क्वांटम नंबर की। अब डायरेक्ट क्वेश्चन है कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है आपकी इलेक्ट्रॉन की वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर होती है, बस इसी इंफॉर्मेशन की जरूरत है, पूरा एक्सप्रेशन लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो पोटेंशियल एनर्जी मतलब वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, इसका मतलब वी आई बाई वी एफ क्या हो जाएगा, एन एफ स्क्वायर बाई एन आई स्क्वायर, बहुत ही सिंपल है, दैट विल बी इक्वल टू 6.25 जो कि 625/100 है, एन एफ बाई एन आई करेंगे तो बहुत ही सिंपल है 5/2 आ जाएगा, because it will come out 25/10 which will come out 5/2। इसका मतलब क्या हो गया कि VI by VF की वैल्यू 6.25 कब आएगी, जबकि ट्रांजिशन 2 टू 5 हो, क्योंकि देखिए फाइनल क्वांटम नंबर 5 इनिशियल क्वांटम नंबर 2, रेशियो दे रखा है 5:2 का, इसका मतलब क्या क्या पॉसिबल है क्वांटम नंबर बताइए, 2 से 5 का ट्रांजिशन, 4 टू 10 का ट्रांजिशन, 6 से 15 का ट्रांजिशन, दीज आर द डिफरेंट ट्रांजिशंस आर पॉसिबल सच दैट वी आई बाई वी एफ विल कम आउट 6.25, दैट मीन्स 2 से 5 का ट्रांजिशन, तो एन आई से एन एफ, और इसमें से देखेंगे एन एफ की वैल्यू मिनिमम वैल्यू कौन सी होगी 5, क्योंकि 2 टू 5, 4 टू 10, 6 टू 15, तो मिनिमम वैल्यू जो एन एफ की होगी 5 के इक्वल होगी, दैट विल द करेक्ट आंसर इसका होगा, यहाँ पे मिनिमम पॉसिबल क्वांटम नंबर एन एफ की वैल्यू 5 के इक्वल होगी। इतना अलग सोचने की जरूरत नहीं, जैसे ही आपका 5:2 आ जाता है तो डायरेक्टली यू कैन से कि मिनिमम वैल्यू जो होगी एनएफ की वो 5 ही होगी, राइट। तो इस तरीके से करेक्ट आंसर इसके 5 होगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रॉब्लम के ऊपर बात करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर बात करने जा रहे हैं जो कि इंटीजर आंसर टाइप का ही है और ये आपका जो है सरफेस टेंशन का प्रॉब्लम है, राइट। अब बहुत ही स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, कई दफे ऐसे क्वेश्चंस जनरली ये क्वेश्चन करा ही दिए जाते हैं, मतलब इस तरह के क्वेश्चंस कई दफे आए हुए भी हैं। इसमें यही है कि आपका कि भाई कि एक बड़ा सा ड्रॉप है जिसके रेडियस आर है और उसको हमने के आइडेंटिकल ड्रॉप में बेसिकली उसे ब्रेक कर दिया गया, यही पूछा गया, डिवाइड कर दिया गया है और इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज डेल्टा यू दे रखी है। तो कहा जा रहा है कि इफ के इक्वल टू 10^(α) देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, ये प्रॉब्लम में कहा जा रहा है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, करना क्या आपको, डेल्टा यू विल बी इक्वल टू क्या होता है टी इंटू सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन यहाँ पे एस है तो सरफेस टेंशन एस इंटू चेंज इन एरिया। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट लगा दिया, सरफेस टेंशन एस इंटू चेंज इन एरिया, सरफेस एरिया देखेंगे हम लोग। यदि हर एक ड्रॉप की रेडियस स्मॉल आ रहा है तो टोटल नंबर ऑफ ड्रॉप्स के हैं यहाँ पे, तो टोटल जो सरफेस एरिया होगा कितना होगा, के इंटू 4πr² माइनस, जब बड़े वाले ड्रॉप की बात करें तो उसकी सरफेस एरिया 4πr² है, राइट। तो इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। अब हमारे को स्मॉल आर को कैपिटल आर के टर्म में लिखना है जो कि टोटल वॉल्यूम को कांस्टेंट करके लिखेंगे, तो के इंटू 4/3πr³ विल बी इक्वल टू 4/3πr³, आर की वैल्यू आ गई स्मॉल आर की, आर अपॉन के √1/3, राइट। इस स्मॉल आर की वैल्यू यहां प्लेस कर दीजिए और सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आपके पास डेल्टा यू आ जाएगा सरफेस टेंशन एस इंटू 4πr² √1/3 -1, राइट। अब देखिए यहां पे सरफेस टेंशन की वैल्यू प्रॉब्लम में दे रखी है 0.41 / 4π SI यूनिट में, रेडियस आर 10⁻²⁰ मीटर है और डेल्टा यू की वैल्यू 10⁻³ है जूल के इक्वल। तो ये जब सब कुछ करेंगे तो के की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 10⁻⁶ हो जाएगी, 1 को हम लोग निगलेक्ट कर देंगे यहाँ पे। तो जब ऐसा करेंगे तो क्योंकि k इक्वल टू 10⁻⁰ है तो अल्फा की वैल्यू सिंपली कितनी आ गई, 6 के इक्वल आ गई। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम लोग वर्कआउट करेंगे एंड द वैल्यू ऑफ अल्फा विल कम आउट 6, राइट। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रॉब्लम के ऊपर बात करते हैं।